चलिए बात करते हैं मेट्रो के सामने जानलेवा छलांग की। दरअसल दिल्ली मेट्रो के सामने कूदकर खुदकुशी करने के मामले में लगातार इजाफा हो रहा है और ताजा मामला सामने आया दिल्ली के विधानसभा मेट्रो स्टेशन से, जहां पर एक 68 वर्षीय बुजुर्ग ने मेट्रो के सामने कूदकर खुदकुशी करने की कोशिश की। ज्यादा जानकारी संवाददाता दिवांश मल्होत्रा दे रहे हैं। मेट्रो के सामने कूदकर खुदकुशी करने के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज एक नया मामला सामने आया जहां दिल्ली के विधानसभा मेट्रो स्टेशन पर एक 68 वर्षीय बुजुर्ग ने मेट्रो के सामने कूदकर खुदकुशी करने की कोशिश की। मैं आपको बता दूं कि ये जो बुजुर्ग हैं सुबह इस मेट्रो स्टेशन पर आए थे, कहीं उनको जाना था, लेकिन जो है उन्होंने मेट्रो के सामने छलांग लगाई और खुदकुशी करने की कोशिश की, जिसके बाद सीआईएसएफ की टीम यहां पर पहुंची और उनको यहां से तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल जो इनिशियल स्टेज पर जानकारी सामने आ रही है कि उनकी मानसिक स्थिति जो थी वो काफ़ी खराब थी और साथ ही पुलिस ये भी बता रही है कि वो अपने बेटे और बहू से काफ़ी परेशान रहते थे और यही जो वजह है वो बताई जा रही है कि उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। जिसके बाद मैं आपको बता दूं कि उनका इलाज फिलहाल दिल्ली के अरुण आसफ अली अस्पताल में चल रहा है, लेकिन फिलहाल अब पुलिस लगातार जांच कर रही है और ये जानने की कोशिश की जा रही है, उनके परिवार वालों से लगातार पूछताछ की जा रही है कि उन्होंने इतना बड़ा कदम आखिरकार क्यों उठाया। कैमरामैन कपिल बेदी के साथ दिवांशु मल्होत्रा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।